So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. The chapter which we are doing is ledger. आज हमें ledger के आगे के practical questions करने हैं और try करना है कि ये chapter complete हो जाए. जो question आपको मैं आज करवाने वाली हूँ, that is question number 6, because according to me question number 6 is one of the most important questions among all the other questions in your ledger chapter. इसके बाद हम एक और question करेंगे जिसमें opening entry की भी आपको बताई जाएगी कि posting कैसे होती है. अभी फिलहाल ये शुरू करते हैं without any wasting any further time. कम ऑन टू टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, टी एस ग्रेवाल बुक से है, करना शुरू करते हैं. लिखा है बच्चे, सुरेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल. सुरेश ने अपना बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल को, कितने कैपिटल के साथ? 1.2 लाख कैपिटल के साथ, ऑफ विच 60,000 उसने बैंक अकाउंट में डाली. इसका मतलब क्या हुआ, वो लाया तो 1,20,000, लेकिन उसने 60,000 बैंक अकाउंट में जमा करा, और 60,000 कहाँ होगा फिर, बैलेंस अमाउंट वो गल्ले में दुकान के रखा हुआ होगा. हिज अदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज. बाकी अप्रैल की ट्रांजैक्शन उसकी दे रखी है. तो अभी देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करी, बच्चे ना बहुत बच्चे ये ऊपर वाला पोर्शन मिस आउट कर देते हैं, नीचे से एंट्री करना चालू कर देते हैं. तो अगर आप ऊपर ये वाली एंट्री मिस आउट कर दोगे, कैपिटल वाली, तो आपके 3 अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. अभी देखना एंट्री में जो अकाउंट्स आएंगे उन पे इम्पैक्ट पड़ता है. चलो पहले हम करना शुरू करते हैं अपनी सारी एंट्रीज. लेट मी इरेज दिस. पहली एंट्री कौन सी होगी बेटा? 1st अप्रैल को. 1st अप्रैल को ये क्या लाया, कैपिटल लाया. मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे जर्नल पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ, इसलिए जर्नल को मैं फटाफट से घुमाऊंगी कि आगे हम लेजर की पोस्टिंग कर रहे हैं. वैसे तो मुझे करवाना भी नहीं चाहिए, ये ऐसी एज इट इज सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए करवाती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ बैठे हो ना प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, तो आप भी मेरे साथ साथ करो एंड आपको लगे कि हाँ देर इज समवन हु इज वर्किंग लाइक यू ओनली. तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे ही करती हूँ जैसे आप स्टूडेंट बींग अ स्टूडेंट करोगे. 1st अप्रैल को बेटा कैपिटल आया है 1.5 लाख की, जिसमें से 60,000 तो गया बैंक अकाउंट में एंड 60,000 गया हमारा गल्ले में गया होगा ऑब्वियसली. तो मैम कैश आई कितनी? आपने बोला कि गल्ले में जाएगा 60,000. बाकी मैम बैंक में पैसा आया? हाँ जी बैंक में पैसा आया. कितना जमा करा बैंक में? 60,000. ये पैसा आया कहाँ से? कैपिटल के थ्रू पैसा आया है. टू कैपिटल कितना? 1.2 लाख. ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री, ठीक है. नेक्स्ट अप्रैल 2 की एंट्री. लिखा है परचेज गुड्स 16,000. 16,000 के गुड्स, सॉरी अप्रैल 2 बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज. फर्नीचर खरीद के लाए हैं ऑफिस के लिए. तो मैम डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर आया है, फर्नीचर को कर दीजिए आप डेबिट. कितने से? 16,000 से. एंड गया क्या होगा? कुछ भी नहीं बोल रखा तो मैम मानेंगे कि कैश से पेमेंट कर दिए 16,000 की. वेरी नाइस. फिर 5th अप्रैल पे आ जाइए, जो ट्रांजैक्शन होती जा रही है मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ. 5th अप्रैल पे आ जाओ. 5th अप्रैल में लिखा है परचेज गुड्स 16,000. 16,000 की गुड्स खरीदे तो परचेजेस तो एक्सपेंस होता है मैम, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा. डेबिट कर दीजिए परचेजेस को. डेबिट करा कितने से? 11,000 से. क्रेडिट किसे करूँ बच्चे? पैसे गए क्या? बोल रखा है क्या कैश में परचेज करी है? नहीं बोल रखा तो मैं क्या मानूँ इसे, कैश में परचेज हुआ है या नहीं हुआ है? मैं तो अपना क्या इसमें क्या मानती हूँ मैं, परचेज गुड्स अगर सिर्फ बोल रखा हो तो. ना कैश दे रखा है ना मैम नाम दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे? कैश ट्रांजेक्शन नाम मान लेंगे, क्योंकि किसी और के नाम मेंशन नहीं है. अभी नीचे वाले से कंपेयर करो, नीचे वाले में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, वहाँ पे नाम मेंशन है मतलब क्रेडिट में है, यहाँ नाम मेंशन नहीं है तो हम कैश मान लेंगे. परचेजेस करी एंड हमारे खाते में से पैसे चले गए 11,000 रुपये, ठीक है. 5th अप्रैल के बाद आ जाइए 8 अप्रैल की ट्रांजैक्शन पे. परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 11,000. डिड आई राइट एनीथिंग रॉन्ग? यस, मैंने फर्नीचर की अमाउंट गलत कर दी है. यहाँ पे फर्नीचर की अमाउंट 20,000 है एंड परचेज गुड्स की अमाउंट 16,000 है. ये 16 है, ये 16 है. अगली वाली ट्रांजैक्शन की अमाउंट अलग है.
8th अप्रैल को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 11,000, 11,000 के गुड्स खरीदे, रमेश से खरीदे इस बार, तो कैश नहीं आएगा बेटा, परचेजेस तो डेबिट हुआ बिकॉज इट इज आर एक्सपेंस, बाय व्हाट अमाउंट, बाय द अमाउंट ऑफ 11,000, एंड क्रेडिट किसे करूँ, ये परचेजेस हमने किससे खरीदी है, कौन हमारा क्रेडिटर बना है या कौन क्रेडिट द गिवर, तो रमेश गिवर है 11,000, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अप्रैल 12 की ट्रांजैक्शन पे, लिखा है सोल्ड गुड्स टू समीर, समीर को गुड्स बेचे, बेटा कैश का मेंशन नहीं है तो क्रेडिट पे बेचे होंगे, तो सेल्स तो मैम हमारी क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स होती है, सेल्स को आप क्रेडिट कर लीजिए 21,000 से। डेबिट किसे करूँ, सेल करे हैं, गुड्स दिए हैं, डेबिट द रिसीवर, किसे में रिसीव हुए गुड्स, समीर को रिसीव हुए, तो समीर को कर दिया डेबिट, ठीक है। टुडे माइट बी यू ऑल विल बी एक्सपीरियंसिंग लो वाइब्स फ्रॉम माई साइड जस्ट बिकॉज मेरी अभी तबीयत इतनी सही नहीं है, लेकिन मुझे लेक्चर लेना था इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो भैया थोड़ा सा अगर आज मेरा लेवल डाउन हो पढ़ाने का तो एडजस्ट कर लेना, आई एम गिविंग माई बेस्ट। अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 13 परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदी है, ठीक है, याद रखना स्टेशनरी खरीदी है, वो भी कैश में खरीदी। परचेजेस व्हाट, परचेजेस को तो कम डेबिट करते हैं जब जो गुड्स हम बेचते खरीदते हैं उनमें डील कर रहे हो, लेकिन बेटा स्टेशनरी तो हर दुकान की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो स्टेशनरी तो हमारा एक्सपेंस होता है ना, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करेंगे, स्टेशनरी को करिए डेबिट। क्रेडिट किसे करूं बच्चे, स्टेशनरी खरीदने के लिए हमने क्या करा, कैश दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने से, कितनी अमाउंट से, 1,800 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 13, अप्रैल 13 के दो ट्रांजैक्शन है, हाँ जी, लिखा है पेड कैश टू रमेश ऑन अकाउंट 10,000, 10,000 कैश पे करा रमेश को, एंड डिस्काउंट अलाउ करा, अलाउड बाय हिम, अच्छा उसने हमें डिस्काउंट अलाउ करा है, ये हमारे लिए क्या हुआ बच्चे, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है, 1,000 रुपये। ये ऊपर देखना जरा, रमेश से कहाँ ट्रांजैक्शन हुए, अप्रैल 8 में ट्रांजैक्शन हुए, रमेश ने गुड्स खरीदे थे 11,000 के हमसे, अब वो क्या कर रहे हैं 11,000 में, बेटा हमें 11,000 पेमेंट करने हैं, रमेश से गुड्स खरीदे 11,000 हमने रमेश को देने हैं, इन्होंने बोला हमने 10,000 रमेश को दिए, 1,000 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, हमारा गेन हो गया, तो इन शॉर्ट रमेश इज द रिसीवर, सो रमेश को तो कर दो डेबिट, रमेश इज द रिसीवर, कितने पैसे देने हैं उसे, टोटल 11,000 देने हैं। अब दिए कितने वो देखो, टू कैश, गल्ले से क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितने गए, सिर्फ 10,000 रुपये गए, क्यों मैम, क्योंकि 1,000 तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, मेंशन है कैश का भाई डिस्काउंट होता है, और जब जब मैंने आपको बोला था जब जब कैश देते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है, जब कैश लेते हैं तब डिस्काउंट देते हैं, तो इस केस में कैश दे रहे हैं मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी हो गया, ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। अप्रैल 17 पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज से कराती हूँ। अप्रैल 17 में लिखा है विड्रीव कैश फॉर ऑफिस यूज 4,000, 4,000 रुपए निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, ऑब्वियसली बैंक से विड्रॉ करे होंगे इन्होंने, तो क्या हुआ बैंक तो कम हो गया बेटा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया, एंड पैसे कहाँ आ गए, पैसे गल्ले में आ गए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, ठीक है। एक चीज, एक असेट बढ़ी एक असेट घटी है हमारी, कितने अमाउंट से, ये है जी 4,000, विड्रीव करा है ना आपने कैश ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला है मतलब गल्ले में पैसे ले लिए, और पैसे कहाँ से निकाले, विड्रॉ करे मतलब आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करे, सो डेबिट व्हाट कम्स इन गल्ले में पैसे आए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 18 की एंट्री है, 30,000 की एंट्री है, सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सेन ऑफ चंडीगढ़ सोल्ड गुड्स टू सुरेश, अच्छा सुरेश तो हमारा बिजनेस ओनर है, हमें गुड्स बेचे हैं, किसने बेचे हैं, सेन ने बेचे हैं, बेटा हमारे लिए क्या हुआ ये बताओ, इन्होंने ना घुमा फिरा के बोल रखा है कि सेन ने गुड्स बेचे सुरेश को चंडीगढ़, तो भैया हमारे लिए तो ये सिंपल परचेजेस हैं, हमने परचेजेस करी हैं किस इंसान से, सेन से परचेजेस करी हैं, अप्रैल 18 को 18,000 में, अप्रैल 18 30,000,
परचेजेस हुई हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने घुमा फिरा के दिया है। अगर आप अकाउंट्स में ना अपने क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लो इनटू हिंदी एंड उसे समझ पाओ, कुछ बच्चे तो मतलब उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो ना क्वेश्चन इंग्लिश की हिंदी नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत होता है। या उन्होंने कैसे कन्फ्यूज करा, या उन्होंने बोला कि सेन है, उसने सुरेश को गुड्स बेचे हैं, तो भाई सुरेश हम ही तो हैं, मतलब जो सुरेश ओनर ही तो है, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है, मतलब सुरेश ने गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस हैं, कहाँ से परचेज करी, सेन से परचेज करी, क्रेडिट परचेज है, बस बात पता चल गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन April 19, कैश रिसीव्ड फ्रॉम समीर, समीर से कैश मिली 20,000, अलाउ करा हो से डिस्काउंट 1,000 रुपये का। अब ऊपर समीर का ट्रांजैक्शन कहाँ आ रहा है, ये देखो April 12 में आ रहा है, समीर ने 21,000 के गुड्स खरीदे थे। अब ये लोग बोल रहे हैं यार समीर ने 21,000 के गुड्स खरीदे, मतलब हमें उससे 21,000 लेने थे, उसने 20,000 तो दे दिए, कैश तो डेबिट हो जाएगा 20,000 से, 1,000 रुपये हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ा। मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी, जब जब कैश देते हैं तब डिस्काउंट मिल जाता है, एंड जब जब कैश हमारी रिसीव होती है, मिलता है हमें, तब हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। तो कैश रिसीव हुआ 20,000 का, डिस्काउंट अलाउ हुआ 1,000 रुपये का। देखो ज़रा, कैश रिसीव हुआ 20,000 का, डिस्काउंट इसका ही भाई होता है, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा हमें, हमारा नुकसान हो गया ना, उसने हमारे 21,000 देने थे, हमें 1,000 डिस्काउंट देना पड़ा। एंड हु इज़ द गिवर ऑफ दिस कैश, समीर इज़ द गिवर ऑफ दिस कैश, तो हमारा समीर 21,000 से आ जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो April 12 की ट्रांजैक्शन से, समीर ने हमारे 21,000 रुपये देने थे तो उसने 21,000 ना दे के 20,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये का डिस्काउंट अवेल कर लिया। April 19 की ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, April 20 सोल्ड गुड्स टू राज बनवारी, राज बनवारी को 40,000 के गुड्स बेचे हैं April 20। Sold goods to Raj Banwari, so Raj Banwari is the receiver of goods. Sale कर रही है, 2 sales. Amount एक बार और check कर लें, April 20 में क्या amount है, 40,000 के goods. अभी तो हमारा question शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो journal की practice हो रही है बस, ठीक। Next, April 28. कैश सेल हुई है 1400 की, मैम ये तो हमें बनाना आता है, हम बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ, April 28 कैश डेबिट 2 sales। बहुत एग्जाम में ध्यान रखना, एक भी अमाउंट गलत लिख दी ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए मैं चाहे 2 बार अमाउंट देखनी पड़े लेकिन बहुत ही ध्यान से देख के लिखना चाहती हूँ। 1400 रुपये रिसीव करें, 1400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाए, April 30 की हैं अब तीनों ट्रांजैक्शन। सैलरी पे करी, एक्सपेंस है मैम, डेबिट हो जाएगा। अब बेटा कैश से पे नहीं करी, चेक से पे करी, कोई बात नहीं मैम, चेक से पे करी तो आप 2 कैश की जगह 2 बैंक कर दीजिएगा, सैलरी 2 बैंक 8,000। देखो April 30 सैलरी डेबिट 2 बैंक 8,000। वाई? बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बोला है ना हमें चेक से पे करी है, चेक से पे करने का मतलब बैंक से पैसे गए हैं हमारे, डिडक्ट हुए हैं, ठीक। वैसे नॉर्मल केस में हम कैश मानते हैं। अब ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया, तो नेक्स्ट पे आओ, रेंट पे करा है चेक से, बिल्कुल सेम बनेगा, 5,000 का रेंट पे करा है चेक से, April 30 5K डेबिट होगा 2 5K, रेंट पे करा ना, तो रेंट इज आर एक्सपेंस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 2 कहाँ से पैसे डिडक्ट हुए, बैंक में से पैसे डिडक्ट हो गए, ठीक। लास्ट ट्रांजैक्शन एक और दे रखी है April 30 की, पेड कैश इनटू बैंक, हमने 4,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक जो हमारी असेट थी वो बढ़ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, बैंक के पास पैसे चले गए 4,000, कहाँ से गए होंगे बेटा, हमने डाले हैं बैंक में पैसे, तो हमने कहाँ से डाले हैं पैसे, हमने अपने गल्ले से डाले हैं, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कम हो गई गल्ले में 4,000 से। आई होप मैंने सारी ट्रांजैक्शन पूरी कर ली है। टोटल कितनी ट्रांजैक्शन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक ऊपर वाली 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एवरीथिंग डन। अब हम आते हैं लेजर अकाउंट बनाने पे। इन्होंने बोला है ना यहाँ पे, पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट हिज अदर, ठीक है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, इन्हें लेजर में पोस्ट करना है, तो भैया लेजर में पोस्ट करने के लिए तो फटाफट से लेजर बनाना ही पड़ेगा।
अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं करा एंड इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स कि हमने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं। चलो जी लेजर बनाते हैं। पहला लेजर कौन सा बनेगा आपका इस केस में? फर्स्ट एंट्री से लेकर चलते हैं हम। तो पहला लेजर मैं बनाने वाली हूँ कैश का। मैं रेड पेन ले लेती हूँ अब टिक करने के लिए भी। मैं बनाऊंगी अब कैश का अकाउंट, ठीक है, कैश वाला। फटाफट से बनाएंगे, थोड़ा बहुत लाइन में एडजस्ट कर लेना। आई एम नॉट यूजिंग दी लाइन टूल क्योंकि फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा और मुझे आपको फटाफट से क्वेश्चन कराने हैं। क्या क्या कॉलम्स बनते हैं? एक तो डेबिट साइड बनती है, एक तो क्रेडिट साइड बनती है, ठीक है। डेबिट साइड इज ऑलवेज द लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज ऑलवेज द राइट हैंड साइड। उसके बाद डेट का कॉलम बनता है, तो डेट इधर भी बनेगी। उसके बाद पर्टिकुलर्स बनता है, उसके बाद हमारा लेजर में जर्नल फोलियो बनता है एंड जर्नल फोलियो में लेजर फोलियो बनता है। बिल्कुल पतला सा कॉलम बनेगा, किसका? जर्नल फोलियो का। कुछ लिखना तो नहीं होता है, अभी इनिशियली बनवा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद ये भी ना बनवाऊँ। फिर अमाउंट का कॉलम। ठीक है, करना शुरू करें, एंट्रीज पुट करें इसमें। चलो जी फर्स्ट एंट्री पे आ जाओ सबसे पहले। अच्छा नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ कैश क्या होती है क्लियर में? कैश तो मैम असेट होती है। असेट का रूल क्या है बेटा? असेट जब जब बढ़ेगी डेबिट होगी, जब जब घटेगी क्रेडिट होगी, ठीक है। पहला पूरा कैश का अकाउंट रेक्टिफिकेशन से बताऊंगी, फिर पूरा कैश का अकाउंट लॉजिक से बताऊंगी। पहला वाला ट्रांजैक्शन देखो, कैश डेबिट हो रही है। मैंने आपको बोला जहाँ पे कैश आ रहा है, जिसका अकाउंट बना रहे हो उस साइड को छुपा दो। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है एज अ स्टूडेंट, तो कैश डेबिट में आ रहा है, डेबिट को देखो ही मत, ना ही कैश को ना ही बैंक को। क्या दिख रहा है बेटा? टू कैपिटल दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये टू वाली साइड होती है, फर्स्ट अप्रैल डेट डाली, टू वाली साइड डेबिट होती है, टू कैपिटल। अब यहाँ पे बात आती है कौन सी अमाउंट लिखे मैम? टू कैपिटल में तो 1.2 लाख लिखा है, ये गलत हो जाएगा बच्चे। आपको अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कैश की लिखनी है क्योंकि आप खाता कैश का बना रहे हो, तो कैश की अमाउंट लिखोगे, दैट इज 60,000 रुपीज। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 60,000 रुपीज लिखोगे, ठीक है। लॉजिक से समझाऊं अब ये मैं आपको, लॉजिक समझो। पहला ट्रांजेक्शन था कि सुरेश कैपिटल लाया है बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में 60,000 लाया, तो आपकी कैश बिजनेस में बढ़ी या घटी? बढ़ी। कैश बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। इसलिए मैंने लिखा है ये डेबिट में, मतलब डेबिट में जब जब कैश बढ़ेगी तब आएगा और क्रेडिट में जब जब कैश घटेगी तब आएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। साथ साथ में ही बताती चलती हूँ वरना फिर तुम्हें कहीं बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश इसमें आ गया, कर लिया। सेकंड वाली ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है, क्या करें मैम? अगर रट्टे से करना है तो कैश छुपा देंगे। टू कैश छुपाया, क्या दिख रहा है? फर्नीचर दिख रहा है। फर्नीचर से पहले कुछ नहीं है तो बाय वाली साइड में लिख दीजिए, बाय फर्नीचर 20,000, बाय फर्नीचर 20,000। क्या डेट है इसकी? डेट इज 2nd अप्रैल, ठीक। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, ये कैश कर लिया, ये कैश कर लिया। मैं ना एक चीज़ करती हूँ, हाँ, अंडरलाइन ही करती चलूंगी जहाँ कैश कैश उठा लूंगी। अब यहाँ कैश उठाना है, कैश को छुपा दो एंड क्या लिखोगे? बाय परचेजेस 16,000, बाय परचेजेस 16,000। ये कौन से डेट की ट्रांजैक्शन है आपकी? 5th अप्रैल की। अब जरा ये लॉजिक से समझ लो, 2nd अप्रैल की ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा, दिमाग लगाओ, फर्नीचर खरीदा तो कैश बढ़ी या कम हुई? मैम कैश हमारी कम हुई। कम हुई तो बेटा डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। कैश डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट में आएगा, बिल्कुल सही। अब आपने नेक्स्ट 5th अप्रैल की ट्रांजैक्शन में परचेजेस करी है 16,000 की। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो कैश बढ़ता है कम होता है? कम होता है। जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, असेट, असेट क्रेडिट होगा, तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया बाय परचेजेस से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नहीं है, कैश नहीं है, इधर आ गया भैया 13th अप्रैल को कैश। कैश छुपा दो मैम, बाय स्टेशनरी 1800 लिख दो 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल में बाय स्टेशनरी 1800 लिख दो। क्या एक्सप्लेनेशन है? स्टेशनरी खरीदी, अगेन हमारा कैश रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ, एंड जब कैश कम होगा तब हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट
कैश यहाँ पे भी आ गया, कैश इसकी पोस्टिंग देख लो जरा ध्यान से, बच्चे बहुत गलत करते हैं बेटा, टू कैश क्रेडिट में आ रहा है ना, तो क्रेडिट की टू कैश भी छुपा लो, डिस्काउंट रिसीव भी छुपा लो। क्या दिखेगा? रमेश दिख रहा है। आप कहोगे मैम बाय रमेश कर दो, अमाउंट कौन सी लिखनी है? रमेश वाली नहीं, कैश वाली अमाउंट, जिसका अकाउंट बना रहे हो वो वाली अमाउंट लिखो। बाय रमेश 10,000, 13 अप्रैल को बाय रमेश 10,000। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊं इसे। इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ बच्चे, रमेश को हमने कैश पे करी 10,000, कैश पे करी, अगेन द कैश डिक्रीज्ड इन आर अकाउंट, तो कैश कम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे, तो मैंने क्रेडिट पे इसे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अप्रैल 17 में कैश को छुपाओ, टू बैंक 4,000 लिख दो, टू बैंक 4,000 लिख दो। ये पता है कौन सी ट्रांजैक्शन है? अप्रैल 17, इसमें था आपका कि आपने बैंक से विड्रॉ करे थे पैसे 4,000। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बैंक से पैसे निकाले, गल्ले में डाले, कैश बढ़ा घटा? मैम कैश बढ़ गया गल्ले में, तो हमारा बड़ा कैश तो हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया, एज सिंपल एज दैट। अप्रैल 17 हो गया, अप्रैल 18 में हमारा कैश नहीं है, अप्रैल 19 में कैश है। अभी वीडियो पॉज करके पहले इसकी पोस्टिंग खुद करना ईमानदारी से, फिर वीडियो को देखना आप आगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने एंट्री बताई है वैसे ही इसकी पोस्टिंग होनी है। अपना दिमाग लगा लो, मैं बता रही हूँ, आगे गलती नहीं करोगे। अभी पॉज करो वीडियो, खुद करो क्वेश्चन एंड देन वॉच अगेन। ठीक, मैं बताना शुरू कर रही हूँ। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट के दोनों एस्पेक्ट को छुपा लो। क्या दिखा? टू समीर, 21,000 लिख दो टू समीर में? नहीं मैम, कैश की अमाउंट लिखनी है, 20,000 लिखना है। टू समीर अप्रैल 19, टू समीर 20,000 लिखना है। क्यों 20,000 लिखना है आप समझते हैं? यहाँ पे समीर ने 21,000 देने थे हमारे और उसने सिर्फ 20,000 दिए, तो हमारे कैश अकाउंट में, मतलब कि हमारे गल्ले में 20,000 ही आए ना रुपए, तो आप 20,000 पैसा बढ़ा हमारे पास, तो आप उसे डेबिट कर दोगे। देखो मैंने डेबिट में लिखा है अप्रैल 19 में टू समीर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश कहाँ आ रहा है? अप्रैल 28 में आ रहा है। कैश को छुपाओ, टू सेल्स 1,400, अप्रैल 28, टू सेल्स 1,400। बहुत सिंपल है बेटा, सेल करिए तो पैसा आया है, पैसा आया है तो डेबिट करेंगे, तो मैंने डेबिट में रिकॉर्ड करा। सैलरी टू बैंक, टू बैंक टू कैश, कैश ढूंढो, ये रहा कैश। अप्रैल 30 में टू कैश छुपा दिया, क्या दिख रहा है? बाय बैंक 4,000, अप्रैल 30 बाय बैंक 4,000। ये कौन सा ट्रांजैक्शन था पता है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 4,000 जमा करे, बैंक का बैलेंस बढ़ा और कैश का बैलेंस कम हो गया, कैश कम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे। आई होप मैंने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं। अब मैं इसे बैलेंस करूंगी। बैलेंस करने का क्या तरीका होता था, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो लाइन से, अगले वाले अकाउंट से सही बना दूंगी टाइम लगा के। मैंने आपको बताया कि दोनों साइड का टोटल करो, रफ में लिखो, और जो ग्रेटर टोटल हो वही आप लिखोगे दोनों कॉलम में। देखो मैं ना रफ बता रही हूँ आपको ये चीज़। रफ में बच्चे क्या करते हैं, पहले डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल कर लो। डेबिट का बन रहा है 60,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 1,400, 85,400। क्रेडिट का क्या बन रहा है? 20,000 प्लस 16,000 प्लस 1,800 प्लस 10,000 प्लस 4,000, बन रहा है 51,800। बेटा ग्रेटर कौन सा है? 85,400 है, लिख दिया। जिस साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है, तो यहाँ तो टोटल आ ही इतना रहा है, लेकिन क्रेडिट में इतना टोटल नहीं आ रहा होगा, बिकॉज क्रेडिट का तो टोटल आपने देखा ना 51,800 रुपीज़ था सिर्फ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ज़रूर एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी। आप इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करके आपको मिलेगा 51,800। आपने नीचे टोटल में लिख दिया 85,400, मतलब कोई तो बैलेंस रिमेनिंग है। बैलेंस रिमेनिंग कितना है? हैश बैलेंस रिमेनिंग विल बी 85,400 जो आपने लिखा, माइनस जो ऊपर वाली अमाउंट्स आपकी ऑलरेडी हैं। तो ये आया आपका बैलेंस 85,400, 33,600, 33,600। वॉट इज दिस? 30 अप्रैल लास्ट डे है, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ चुका है आपका 33,600 रुपीज़ का, कि एंड में जाके महीने में हमारे पास कितने पैसे हैं गल्ले में? 33,600 रुपीज़ है।
अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लारिफाई कर दूँ, थोड़े बहुत टीएस ग्रेवाल में चेंजेस आए हैं पिछली बुक से इस वाली बुक में, तो जो मैं बुक प्रेफर कर रही हूँ ना उसमें ट्रांजैक्शन स्लाइटली डिफरेंट है। मतलब हर एक ईयर की आप बुक देखोगे किसी के पास पुरानी बुक होगी, तो अभी ही मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो ये वाला हमारा ट्रांजैक्शन दिस वन लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है 4,000 का, कुछ कुछ बुक में ये 4,000 रुपीज़ 2,000 दे रखा है, और ऊपर का एक ट्रांजैक्शन चेंज है जिसकी वजह से ये बैलेंस चेंज आएगा। मैंने आपको अपने क्वेश्चन की तरफ से कराया है, इसलिए आई प्रोवाइड यू द पीडीएफ एज वेल कि मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर्स नीचे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, चलो जी, कैश अकाउंट तो हमारा बन गया, उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएं? उसके बाद मैम बैंक अकाउंट बना दीजिए, बैंक आ रहा है तो ठीक है बैंक बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, अब पूरा प्रॉपर लाइन बना के करवाऊं तुम्हें, बैंक अकाउंट अब थोड़ा ना ये दिक्कत कर रहा है, बड़ा लिख लिया मैंने, हैंग हो रहा है, इसलिए लाइंस भी सही से ड्रॉ नहीं हो रही, प्लीज आज ऐसे ही एडजस्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से, नेक्स्ट वीडियो से मैं कर दूंगी सही। बैंक अकाउंट, ठीक, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, अब थोड़ा रफ में कर रही हूँ, ठीक है, वो नहीं बना रही मैं बार बार, ये अपना लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, ठीक, अमाउंट पर्टिकुलर्स करके कर रही हूँ। चलो डेट भी बना देती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, डेट क्या है? बैंक हमारा क्लियर में असेट है, असेट का रूल क्या होता है? डेबिट द इंक्रीज, जब जब बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब घटेगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, ट्रांजैक्शन डालना चालू करें, पहली एंट्री बैंक, बेटा बैंक वाली साइड छुपा लो, मैम डेबिट साइड छुपा ली, क्या दिख रहा है? दिख रहा है टू कैपिटल, कितना डाले? बैंक की अमाउंट डालनी है 60,000 डालना है, टू कैपिटल 60,000, टू कैपिटल 60,000 फर्स्ट अप्रैल को। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बैंक हो गया यहाँ पे, और कहाँ बैंक आ रहा है? और मैम इस पेज पे तो कहीं बैंक नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे बेटा बैंक दिख गया यहाँ पे आपको, बैंक को छुपाओ, क्या दिख रहा है? बाय कैश 4,000, बाय कैश 4,000, ये हमारा ट्रांजैक्शन पता है कौन सा है? हमने बैंक से विड्रॉ करे थे पैसे ऑफिस यूज के लिए 4,000, तो आप बताओ बैंक में पैसे बढ़े घटे? घटे, तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, कम हो रहा है। तो कौन से तारीख की एंट्री है? अप्रैल 17, ठीक है जी। नेक्स्ट बैंक कहाँ दिख रहा है और भैया तुम्हें? यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अप्रैल 28, हाँ जी दिख रहा है, अप्रैल 30 की ट्रांजैक्शन में टू बैंक लिखा है, तो बैंक को छुपाओ, बाय सैलरी 8,000, बाय सैलरी 8,000, क्या डेट है? 28 नहीं, 30 अप्रैल। अब मेरे को ये बताओ ये कौन सी ट्रांजैक्शन थी? इसमें था सैलरी पे करी 8,000 की चेक से, तो बेटा बैंक में पैसे बढ़े या कम हुए? कम हुए ना, चेक से पेमेंट करी तो आपने, तो बैंक का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक, और बताओ कौन सी एंट्री है? ये रही भैया रेंट की एंट्री, रेंट भी पे करा, टू बैंक छुपाओ, बाय रेंट कर दो 5,000, बाय रेंट 5,000 30 अप्रैल। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? मैम रेंट पे करा, वो भी बैंक के खाते से या चेक से पे करा होगा, तो बैंक में पैसे कम हुए, अगर बैंक का बैलेंस कम होता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। वेरी गुड, नेक्स्ट ये देखो लास्ट एंट्री, बैंक इस बार डेबिट हो रहा है, तो बेटा इसे छुपा के क्या दिख रहा है आपको क्रेडिट में? टू कैश 4,000, टू कैश 4,000। ये जी अप्रैल 30 की ट्रांजेक्शन है, ये मैं आपको बताऊं, ये ना हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी जिसमें लिखा था कि बैंक में जमा करे 4,000 रुपये, तो बैंक में जब पैसे डालोगे, जमा करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, तो बढ़ेगा बैलेंस तो मैम डेबिट में लिखना है, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा। सारी ट्रांजैक्शन कवर्ड है, एक बार चेक कर लूँ, पहले ट्रांजैक्शन से देखो बैंक का कर लिया, वन ट्रांजैक्शन है बैंक की, और इस पेज पे कोई भी नहीं है, टू ट्रांजैक्शन है बैंक की, टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव, फाइव ट्रांजैक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल सही लिखा है। अब ग्रेटर टोटल करना है इसका, ग्रेटर टोटल तो मैम जहां तक है ये बन रहा है 64K, अब तो इतना आइडिया हो गया, 64,000 बन रहा है।
तो मैम ये तो 64,000 बन रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ बात नहीं बन रही है 64 की, तो यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर छूट रही होगी, कितनी देख लो जरा, इन तीनों को प्लस करना जरा कितना बैठ रहा है, 4,000 प्लस 8,000 5,000 लिखा है ये, हाँ ठीक है 12,000 प्लस 5,000 17,000 बैठ रहा है, आपका ये पड़ा, 64 नीचे लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर कितनी हुई, 64 माइनस 17 47,000 आपका कहीं ना कहीं बच रहा है बैलेंस। इसे क्या कहोगे आप, इसे कहोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कौन सी डेट पे, महीने के लास्ट पे 30 अप्रैल पे। अच्छा अगर आपको कोई कहे कि ये नेक्स्ट मंथ दैट इज अप्रैल के बाद क्या आता है, ठीक मे आता है, तो मे में आप इसे ब्रॉड डाउन करके दिखाइए, तो आप दूसरे साइड पे ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 47,000 लिख दोगे, ठीक है। या आप ऐसे भी जान सकते हो बैंक का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए बैलेंस ब्रॉड डाउन, जब भी ब्रॉड करा जाता है फॉरवर्ड बैलेंस तो उसे 47,000 लाइक डेबिट में दिखाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आए, कैपिटल का अकाउंट बनाए फटाफट से, चलो कैपिटल अकाउंट होमवर्क में दे दूं, कैपिटल अकाउंट होमवर्क में ले लो, ये मैं नहीं बनवा रही हूँ, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अकाउंट है, कैपिटल तो आपका होमवर्क में हो गया, कमेंट में बताना जरूर मेरे को, मैं चेक करती हूँ कि क्या बैलेंस आ रहा है इसका, ठीक। नेक्स्ट फर्नीचर का अकाउंट, फर्नीचर में और कोई छेड़ाखानी नहीं है, ये भी होमवर्क हो गया भैया, फर्नीचर फर्नीचर भी होमवर्क हो गया। नेक्स्ट परचेजेस का अकाउंट बना लेते हैं, परचेजेस का अकाउंट बनवा रही हूँ मैं, चलो जी परचेजेस अकाउंट, हे भगवान कितना परेशान होना पड़ रहा है इस लाइंस के चक्कर में। अब तो बोर्ड में पूरा फॉर्मेट बन के आता है लेकिन तब भी मैं तुम्हें बताऊंगी ट्वेल्थ में कैसे तुम बोर्ड में फॉर्मेट बनकर आते हैं तब भी इतनी डिफिकल्टी होती है क्वेश्चंस करने में, पता नहीं कहाँ फॉर्मेट होता है, कहाँ क्वेश्चन करना होता है, इतना हॉच पॉच होता है, बच्चे को लगता है इतनी देर में तो मैं खुद ही फॉर्मेट बना लूँ। डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है, परचेजेस क्या होती हैं, एक्सपेंस होती हैं, एक्सपेंस डेबिट कब होता है, जब बढ़ता है, एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब घटेगा क्रेडिट होगा, ठीक है। चलो एंट्रीज करना चालू करें, पहले में नहीं है परचेजेस, सेकंड में परचेजेस नहीं है, थर्ड में परचेजेस आ गया, परचेजेस को छुपाइए, टू कैश 16,000 लिख दीजिए, फिफ्थ अप्रैल को टू कैश 16,000 समझा दूं, ये था बेटा हमने गुड्स परचेज करे थे 16,000 में कैश में, तो आप जब गुड्स खरीद रहे हो ठीक है, तो परचेजेस है आपका खर्चा, बढ़ रहा है कम हो रहा है, परचेज कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है ऑब्वियसली, खर्चा बढ़ा तो प्लस वाली साइड डेबिट में आई रिकॉर्डेड इट, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेजेस 8 अप्रैल को आ रहे हैं, अगेन टू रमेश 11,000, परचेजेस को छुपा दो, क्या दिखा, टू रमेश 11,000 लिख दो 8 अप्रैल को, टू रमेश 11,000। इसमें हमने क्या करा था, इसमें उधार में गुड्स खरीदे थे 11,000 के रमेश से, तो गुड्स तो खरीदे ना, खर्चा तो करा ना, खर्चा बढ़ा तो डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट और कहाँ है आपके परचेजेस, इस शीट में तो नहीं है, इसमें देखें और कहाँ है, अप्रैल 18 में परचेजेस दिख गए, टू सेन परचेजेस को छुपाओ, टू सेन थर्टी थाउजेंड 18 अप्रैल को टू सेन 30,000, ठीक है। नेक्स्ट इसमें समझा दूं ये वाला भी, इसमें ना सेन से गुड्स खरीदे थे 30,000 के, उन्होंने घुमा फिरा के दिया था जो ट्रांजैक्शन कि आपने, आप सुरेश हो, आपको सेन ने गुड्स बेचे, तो भाई हमने तो खरीदे ना, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमने खरीदे, हमने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, सेन वाला हो गया। उसके बाद परचेजेस मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, परचेजेस का अकाउंट यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आप खुद बैलेंस कर लोगे या नहीं, या मैं करूं, क्या मैं ये मान लूं कि तुम इसे कर लोगे, क्या तुम लोगों का एहसान लेना है यार, चलो इतना करा दिया तो ये भी कर लेती हूँ। 16 प्लस 11 प्लस 30 57,000
ग्रेटर तो यही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है दूसरी साइड में, तो बैलेंसिंग फिगर 57,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बिकॉज हम इसे बैलेंस कर रहे हैं ऑन द लास्ट डे 30th अप्रैल. अगर कोई इसे ब्रॉड डाउन करने को कहे तो यहाँ लिख के ब्रॉड डाउन कर देना, ठीक है. परचेजेस अकाउंट डन. नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के सारे अकाउंट हो गए कैपिटल वॉज एन होमवर्क, 2nd अप्रैल के सब हो गए फर्नीचर होमवर्क में दे दिया, 5th में परचेजेस हो गया कैश ऑलरेडी हो चुका है, 8th में परचेजेस हो गया रमेश नहीं हुआ, रमेश का अकाउंट बना लेते हैं. रमेश का अकाउंट बनाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, वहां पे बनाते हैं रमेश. अभी यहाँ पे एक चीज आएगी तभी बनवा रही हूँ, वरना होमवर्क नहीं दे देती. अब तुम मुझे ये बताओ, अकाउंट तो मैंने बना लिया भैया, फॉर्मेट तो मैंने बना लिया, लोन डेट भी बना ली, तो मुझे ये बताओ रमेश है कौन क्लियर में. मैम हमें क्या पता, नाम से थोड़ी पता चल रहा है. तो ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए ज़रा इसकी, रमेश की ट्रांजैक्शन आ रही है अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन पढ़ो. परचेज करे गुड्स रमेश से, जिससे गुड्स खरीदे जाते हैं उधारी में वो कौन होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है. तो क्रेडिटर किस में क्लासिफाई होगा, यही तो पूछना चाह रही हूँ. ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी, ठीक है. लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगी क्रेडिट होगी, जब जब घटेगी डेबिट होगी. बस यही आया था नया पॉइंट जो मुझे तुम लोगों को समझाना भी था, ठीक है. क्योंकि अभी तक तो जो भी हमने अकाउंट बनाया उसमें डेबिट प्लस था, क्रेडिट माइनस था, इसमें आया है हमारा क्रेडिट प्लस एंड डेबिट माइनस वाला. करते हैं चलो फटाफट से क्वेश्चन का भोग डालें. आ गए जी रमेश जी, अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन में रमेश जी को छुपाइए. क्या दिख रहा है आपको, परचेजेस. उससे पहले उसका कोई भ्राता नहीं दिख रहा, तो आप बाय लगा दीजिए. बाय परचेजेस 11,000 8 अप्रैल को, बाय परचेजेस 11,000. अब मैं तुम्हें ये ट्रांजैक्शन समझा दूं. हमने रमेश से 11,000 के गुड्स खरीदे. बेटा गुड्स खरीदे तो रमेश हमारी लाइबिलिटी है. अब बताओ रमेश वाली लाइबिलिटी की मुझे उसे पैसे देने हैं, वो बड़ी या घटी? ऑब्वियसली बड़ी है मैम, अभी गुड्स खरीदे हैं ताज़ा ताज़ा, तो वो लाइबिलिटी बन गया है हमारी. तो लाइबिलिटी बड़ी तो मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, और कहाँ रमेश दिख रहा है आपको इस शीट पे? मेरे को अप्रैल 13 में रमेश नज़र आ रहा है. रमेश को करिए अंडरलाइन, मतलब इसे छुपाइए. बाकी दो ट्रांजैक्शन क्या दिख रहे हैं? अब आपको सिर्फ रमेश वाली साइड इग्नोर मारनी है. आपने डेबिट इग्नोर मारा, क्रेडिट में बेटा दो चीज़ें दिख रही हैं, एग्जैक्ट उतार दो. 2 कैश अकाउंट 2 डिस्काउंट रिसीव 10,000 1,000 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000 1,000 एग्जैक्ट उतार लिया. मैं आपको समझाऊँ ये ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन में देखो हुआ क्या है. ये रही अप्रैल 13, रमेश को हमने कैश दिया 10,000 का और डिस्काउंट मिला हमें 1,000 का. अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं रमेश को डिस्काउंट रमेश को कैश दे रही, पहले मैंने रमेश से गुड्स खरीदे वो मेरी लायबिलिटी हो गया, अब मैं उस लायबिलिटी को उस क्रेडिटर को पैसे लौटा रही हूँ. ले भाई तेरे 11,000 रुपये लेने थे, ले तू 10,000 रख ले. तो मेरी लायबिलिटी कम हुई, जैसे ही मेरी लायबिलिटी कम हुई मैंने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया 2 कैश करके. उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, उसने मेरे को कहा 1,000 रुपये मत दो, सुरेश हूँ मैं, ठीक है इस क्वेश्चन में. तो उसने मेरे को कहा आप 1,000 रुपये मत दो, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, 1,000 रुपये से मेरा एक क्रेडिटर लायबिलिटी कम हो गई, तो मैंने उसे डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया. आज सिंपल आज दैट, ठीक है. एक बार ये फिर से देखना, अगर आपको अकाउंट समझ नहीं आया, ये वाले अकाउंट आपको जरूर जरूर आने चाहिए. और मैं एक और बात बता दूं, एग्जाम में ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको कि पूरा जर्नलाइज करो, पूरा लेजर बनाओ, तो मुझे लग रहा है 1 घंटे तुम यही क्वेश्चन करते रह जाओगे. व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव यू अ क्वेश्चन फ्रॉम जर्नल चैप्टर, जर्नलाइज करोगे आप उसे, उसमें से कोई 2 अकाउंट उठा देंगे. जैसे मैंने यहाँ पे आपको कह दिया कैश अकाउंट बनाओ और राकेश का अकाउंट बनाओ, बेटा वो 2 अकाउंट बना के आपको देने हैं और उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे. एंड दे विल इवैल्यूएट ऑल्सो कि आपको लेजर चैप्टर अच्छे से आता है या नहीं. देखो एक क्वेश्चन देके 2 काम करवा देंगे वो. मैं कहा थी भूल गई, हाँ रमेश की एंट्री पे. तो यहाँ पे तो रमेश की एंट्रीज हो गई. 2nd पेज में कहीं रमेश नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. तो रमेश को करिए क्लोज. ग्रेटर टोटल, ग्रेटर टोटल 11,000 है मैम. क्या कहीं बैलेंस बच रहा है? 11,000 यहाँ हो रहा है, 11,000 यहाँ हो रहा है, कहीं नहीं बच रहा. मतलब इसका अकाउंट हो गया है फिनिश क्लोज्ड. हमने 11,000 के गुड्स खरीदे, 10,000 की पेमेंट कर दी, 1,000 डिस्काउंट मिल गया, बस उसका अकाउंट हो गया क्लोज. सर रमेश के अकाउंट का भोग पड़ गया. अब आ जाओ समीर के अकाउंट पे. समीर का अकाउंट तुम्हें खुद करना है, मैंने रमेश का बताया. इट इज सेम एज रमेश, आपको ये खुद करना है, ये नहीं करवाऊंगी मैं.
समीर का होमवर्क है, लिख दूं? कहाँ पे लिखा था? यहाँ पे समीर होमवर्क में चला गया। और देखें सेल्स का अकाउंट बनवा दूं? चलो बनाते हैं सेल्स का अकाउंट। थोड़ा ना इसके ना चैप्टर तो बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है इसलिए टाइम लगता है। अब आज मैं बैठी थी ना क्लास रिकॉर्ड करने, मेरे को लगा था कि नहीं यार आज तो बच्चों को चैप्टर करा के ही मानूंगी, दो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया से करा दूंगी और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अपना इजी सा बढ़िया सा कोई और चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन वही है मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा क्वेश्चन कराना है। अभी भी मैं पूरा नहीं करा रही हूँ, आपको होमवर्क में भी दे रही हूँ, अदरवाइज तो ये 1 आवर से ज्यादा की क्लास जाए। लेकिन आई वॉन्ट कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं वक्त लेकर आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत डिटेल में या बोरिंग कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन, मैं फिर वैसे आपका फीडबैक लेके वैसे ऑल्टर कर दूंगी पढ़ाना, ठीक है? देखो चलो सेल्स, पहले यहाँ पे सेल्स कहाँ आ रहा है? अप्रैल 12 में सेल्स आ रहा है। सेल्स को छुपाओ, क्या लिखोगे? बाय समीर 21,000, बाय समीर 21,000। अप्रैल किसकी ट्रांजैक्शन है? अप्रैल 12, इसमें क्या हुआ है बताऊं? इसमें बेटा हमने समीर को सेल करे थे गुड्स 21,000 के। मुझे बताओ जब मैंने सेल करी समीर को उधारी में तो मेरी सेल तो बढ़ी ना, जब मैंने गुड्स बेचे मेरी सेल्स बढ़ी। सेल्स बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगी और सेल घटती है तो वो डेबिट होगी। वाई? बिकॉज सेल हमारा है रेवेन्यू, क्लियर में जो आर आता है रेवेन्यू वो हमारा सेल है। रेवेन्यू का रूल है कि जब जब रेवेन्यू बढ़ेगा तब वो क्रेडिट होगा, जब जब वो घटेगा तब वो डेबिट होगा, ठीक है? तो अभी मैंने सेल करी समीर को, मेरी सेल्स बढ़ी तो वो क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 12 के बाद समीर कहाँ दिख रहा है? इस पेज पे तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे समीर दिखा आपको? हाँ जी, अप्रैल 19 में समीर दिख गया। समीर को अंडरलाइन करा बेटा, समीर को छुपा के बाकी दो चीजें दिख रही हैं, इसे एज इट इज लिख दो। बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय कैश कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड, ये सेल्स का अकाउंट बना रही हूँ, समीर ढूंढने लग गई, रुक जाओ। समीर सेल्स, सेल्स यहाँ पे मिल गई, और कहाँ सेल्स है? यहाँ पे कहीं भी सेल्स नहीं है। मुझे लगा मैं समीर का अकाउंट बना रही हूँ, उसके ट्रांजैक्शन ढूंढने लग गई थी। यहाँ पे बताओ सेल्स कहाँ पर है? हम अप्रैल 17 में नहीं है, अप्रैल 18 में नहीं है, अप्रैल 19 में नहीं है, अप्रैल 20 में सेल्स है। सेल्स को करो अंडरलाइन और इन भाई साहब का नाम लिख दो। बाय राज बनवारी 40,000, अप्रैल 20 में बाय राज बनवारी कितने हजार का ट्रांजैक्शन है? 40,000। इन्होंने हमसे उधारी पे गुड्स खरीदे 40,000 के, मेरा रेवेन्यू बढ़ा तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। और सेल्स यहाँ पे अप्रैल 28 में आ गई, सेल को छुपा के बाय कैश 1,400, बाय कैश 1,400। इसमें क्या हुआ बेटा? हमारे गुड्स बिके हैं 1,400 में, पैसे मेरे पास आए, सेल्स हुई मेरी, सेल्स बढ़ी है तो मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद सेल्स कहाँ आई? और कहीं भी सेल्स नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ हमारे 3 ट्रांजैक्शन है सेल्स के। प्लीज एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे है एक ट्रांजैक्शन, यहाँ पर है एक ट्रांजैक्शन, दो तीन, तीन ट्रांजैक्शन है, ठीक है? इसे हम करते हैं क्लोज, डबल लाइन डबल लाइन। ग्रेटर टोटल ऑब्वियसली इस वाली साइड का होगा, 21,000 प्लस 40,000 प्लस 1,400, 62,400, और यही टोटल मैं इस साइड पे लिख दूंगी। और बैलेंस भी मेरा यही आ जाएगा बिकॉज यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। कैसे लिखू? टू वाली साइड में बैलेंस आया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी डेट पे होगा बेटा? 30 अप्रैल की डेट पे होगा, ठीक, लास्ट वाली। सेल्स अकाउंट भी बन गया, स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंस है, खुद बनाना। होमवर्क में लिख देती हूँ स्टेशनरी, कहाँ लिखा है मैंने होमवर्क? यहाँ पे स्टेशनरी, उसके बाद कैश का अकाउंट हो गया, रमेश का हो गया, कैश अकाउंट हो गया। डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बना के दिखा दूं तुम लोगों को? चलो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बना देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मैं बना रही हूँ, मतलब अलाउड तुम लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी।
डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हुआ, क्लियर में क्लासिफाई करो जब तक मैं फॉर्मेट बना रही हूँ। क्या ये कैपिटल है, क्या ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, असेट है या रेवेन्यू है? डिस्काउंट रिसीव करते हैं मैम, ये हमारी इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू मान लीजिए आप। तो इसका रूल क्या होगा, डेबिट होगा माइनस, क्रेडिट होगा प्लस। वेरी नाइस, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मतलब आप सारा क्वेश्चन ठीक करोगे। अब डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाना है तो मैम अप्रैल 13 की ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पे है, छुपा देते हैं क्रेडिट। डेबिट में दिखा बाय रमेश, क्या अमाउंट लिखूं जो डिस्काउंट की अमाउंट है, बाय रमेश में 11,000 मत लिख देना, बाय रमेश 1,000 लिखना है। 13th अप्रैल बाय रमेश कितना लिखोगे, बाय रमेश 11,000 नहीं, डिस्काउंट की अमाउंट 1,000। अब मैं इसे आपको समझा दूं, ये देखो यहाँ से ट्रांजैक्शन समझो, रमेश को पैसे पे कर रही थी तब मुझे डिस्काउंट मिला 1,000 का, डिस्काउंट मिला तो मेरी ये क्या है, मेरी एक इनकम है, मेरा एक गेन है। गेन को हमेशा क्रेडिट करते हैं बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो मैंने क्रेडिट साइड में ये चीज रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। और जी कोई ट्रांजैक्शन और है इसमें, इस पेज में तो मुझे डिस्काउंट रिसीव नहीं नजर आ रहा है, इस पेज में भी मुझे डिस्काउंट रिसीव नहीं नजर आ रहा है, नहीं है जी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है डिस्काउंट। इस पेज के सारे अकाउंट्स हो गए हैं मेरे। सेकंड पेज पे आ जाओ, कैश हो गया, बैंक हो गया, परचेजेस हो गया, सेन का अकाउंट इज इन होमवर्क, एक ही ट्रांजैक्शन है, सेन होमवर्क में है, होमवर्क वाले पेज में लिख भी देती हूँ सेन का अकाउंट। और जी कैश हो गया, डिस्काउंट अलाउड होमवर्क में है, पहले ही बोल दिया जैसे मैंने डिस्काउंट रिसीव करा था, डिस्काउंट अलाउड। बहुत छोटे छोटे अकाउंट दिए हैं होमवर्क में तुम लोगों को, ऐसे मत बोलना कि आधा अधूरा क्वेश्चन कराया है, सारे बड़े अकाउंट मैंने बनवा दिए। उसके बाद जी राज बनवारी का अकाउंट मत बनाओ यार, इतना विश्वास हो गया राज बनवारी का, बना लोगे, रहने दो। ये हो गया जी सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, बहुत इजी है, एक एक वाला है बना लेना। और इसके एस्पेक्ट में मैं आपको एक चीज़ भी बताती हूँ अभी, रुको, सैलरी एंड रेंट भी बनाना है। होमवर्क अकाउंट हो गए आपके, और कोई तो नहीं बचा? नहीं जी। आप देखो जो मुझे चीज बतानी थी बेटा, जब भी किसी खर्चे या इनकम का अकाउंट बनाते हो ना आप, मतलब एक्सपेंस का, नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉस एंड इनकम एंड गेन, तो ये सारी जो हमारी इनकम होती है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, ये सारी की सारी चीजें ना हमारी फाइनल अकाउंट्स में जाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाती हैं। तो आप बहुत जगह नोटिस करोगे, ये काम गया हमारा कैश, जैसे ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारी इनकम है, तो इसे ना मैं क्लोज करने के लिए अभी तक क्या लिखती थी, टू बैलेंस कैरी डाउन करके पूरा ग्रेटर टोटल करती थी 1,000, यहाँ का भी ग्रेटर टोटल 1,000 और यहाँ 1,000 लिख दिया करती थी, ऐसे ही करते थे। यहाँ पे आपका कैरी डाउन बैलेंस नहीं आता है डिस्काउंट रिसीव में, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम हमारी या तो ट्रेडिंग में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब यहाँ पे टीचर्स इतना इंपॉर्टेंस देके इसे इसलिए नहीं समझाते क्योंकि ये बात आप एंड में आते आते 11th के समझोगे, सेकंड टर्म में ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। ये जो आपकी 1,000 की इनकम है ना, ये इनकम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, इसे हमेशा क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस से करा जाता है, इसका कैरी डाउन नहीं निकाला जाएगा। इन द सेम मैनर डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा खर्चा है बेटा, ये हमारा एक्सपेंस है, इसका भी कैरेट डाउन नहीं निकाला जाएगा, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इन द सेम मैनर सैलरी भी हमारा खर्चा है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेंट भी हमारा खर्चा है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, स्टेशनरी हमारा खर्चा है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसका कैरेट डाउन नहीं निकलेगा। आप जहाँ पे कैरेट डाउन आ रहा होगा वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डाल दीजिएगा। अभी तक आपका कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं आया है जहाँ ट्रेडिंग आए, और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं इन द फर्दर क्लासेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अभी आप हल्का सा ये पॉइंट मेरा याद रख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप आई एम डन विद द क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया एंड इट टुक मी अराउंड 50 मिनट्स टू रिकॉर्ड दिस वेरी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, जो मुझे लगा था कि मैं एक बार करा दूंगी इतने ही टाइम ड्यूरेशन में। चलो कोई बात नहीं, बस एक क्वेश्चन रिमेनिंग है मेरा, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी एक क्वेश्चन, और उसका लेक्चर देखकर हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा चैप्टर सोच रही हूँ मैं, देखते हैं ट्रायल बैलेंस करेंगे या इसके बाद बुक्स बनवाना चाहूँ। बुक्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक मन हो रहा है ट्रायल बैलेंस करा दूँ, फिलहाल मैं देखूंगी इसमें। मेरे ख्याल से हाँ, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें ट्रायल बैलेंस का भी एक चीज़ है कि आप ट्रायल बैलेंस भी उधर ही बना रहे हो, तो मैं वहाँ पे आपको वो चीज़ें पूरी ट्रायल बैलेंस की भी समझा दूँगी, ठीक।
दैट्स इट फॉर टुडे एंड अभी तो आप बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो भी अकाउंट्स मैंने होमवर्क में दिए हैं आपको उसके क्या आंसर्स आ रहे हैं. मैं आपको इस वाले लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच करवा दूंगी. ठीक है, चलो, टिल देन हार्ड वर्क, बाय बाय.